नमस्कार दोस्तों, SRS एंटरटेनमेंट चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं सलमान खान की मूवी रईस 3 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अपडेट को लेकर। दोस्तों पहले दिन का जो कलेक्शन था, मैं आपको बता दूं, पहले दिन का जो कलेक्शन था वो 29.17 crore था इन इंडिया नेट, और इसका क्रॉस होता 37.4। और दूसरे दिन का जो कलेक्शन का अपडेट आया है वो 36 crore के आसपास आया है। उम्मीद ज़्यादा की जा रही थी, मैंने तो 45 crore पकड़ा था, लेकिन उतना नहीं आया, और 36 crore का जो क्रॉस होता है 45, तो टोटल इसका जो दो दिन का है वो 29 और 36 गनेट मिला दें तो ये हो जाएगा लगभग 65 crore के आसपास दो दिन में। तो आने संडे तो श्योर है कि 40 जाना ही चाहिए, तो ये 100 crore क्रॉस कर लेगी। 35 भी आया तो फिर 101 हो जाएगा तीसरे दिन। तो जो मुझे, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन बता दूं दोस्तों, रिलीज़ होने के पहले इसने 150 crore का बेनिफिट कर चुकी थी, बिकॉज इस मूवी ने अमेजोन में को 80 crore में बेच दिया है। सैटेलाइट इसका 20 crore में गया है GTV को, और ओवरसीज राइज 30 crore, तो सब मिला के 150 crore पॉन्टेबल प्रॉफिट हो चुका है। ये मिला दो प्लस इसके दोनों दिन के कलेक्शन मिला देंगे तो लगभग ये 240 के आसपास आता है। अगर मैं पकड़ो संडे, ये 40 crore और करेगी, यानी कि थर्ड डे, और इसका जो क्रॉस होता है 52, अगर मिला दूँ टोटल इसका संडे ख़त्म हो जाए 285 crore हो जाएगा दोस्तों। मात्र तीन दिनों में 285 crore वर्ल्ड वाइड इसका कलेक्शन होगा, जिसमें ओवरसीज़ का जो कलेक्शन अभी तक जो मिला है वो अभी तक का जो मिले अपडेट के हिसाब से ओवरसीज़ का जो कलेक्शन है वो 23 crore के आसपास आया है दोस्तों। 23 crore काफ़ी अच्छा है पहले दिन, और बहुत बढ़िया कलेक्शन है। तो टोटल जो हो जाता है 285 crore ओवरसीज़ सैटेलाइट राइट्स वगैरह सब बेचने के बाद, और दो दिन का कलेक्शन और तीसरे दिन का, मेरा जो प्रेडिक्शन है वो है 40 crore। यानी अगर ऐसा होता है तो टोटल 285 crore का कलेक्शन तीन दिन में हो जाएगा वर्ल्ड वाइड दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेशन सही लगता है। आपका दिन मंगलमय हो।